हेलो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हेलिक्स पैरामेडिकल क्लासेस में। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को वादा किया था कि आप लोगों की आगामी वैकेंसीज को देखते हुए, आगामी फर्स्ट ईयर बैचेस को देखते हुए, आगामी सेकंड ईयर बैचेस को देखते हुए मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छे अच्छे सेशन शेयर करूंगा। जो क्लासेस आप लोगों को हो रही है तो वो क्लासेस मैं आपको बता दूँ कि वो क्लासेस आपको बहुत अच्छे से क्लियरिफाई करनी है। दूसरी बात कि वैकेंसी में पढ़ने के लिए सर हमको तो क्वेश्चंस करवा दो, हमें थोड़ी सी बेसिक थ्योरी पता होनी चाहिए, थ्योरी के साथ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हम लोग कवर कर पाएंगे। रिजल्ट मैटर करता है कि आपको कितना नॉलेज गेन किया है आपने, उस नॉलेज के अकॉर्डिंगली कितने क्वेश्चंस आप लोग कर पाते हो। वैकेंसी का एक रूल अपने को फॉलो करना होता है कि वैकेंसी के जो जितने भी आप लोगों ने एग्जाम देखे होंगे पैरामेडिकल जितने भी हैं, वहां पर आप लोग देखेंगे आपको जितना बेसिक शानदार होता है उतने ज़्यादा आप लोग के वहाँ पर रिजल्ट गेन कर पाते हो। अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो वहाँ पर आप रिजल्ट बिल्कुल गेन नहीं कर पाते हो। तो मैं शुरुआत करता हूँ आप लोगों के साथ में, और मैं आज कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स में आप लोग डिस्कस करता रहूँगा। डेली आप लोगों के साथ क्लासेज होंगी, डेली आप लोगों के साथ क्लासेज शेयर करूँगा, और ये क्लासेज आप लोगों को मोटिवेट करेंगी। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना भी वैकेंसी के लिए बच्चा तड़प रहा था, मैं कहाँ से पढ़ूँ, वो सारी चीज़ें हम लोग खत्म कर देंगे। हम हमारे YouTube पर तो आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा ही रहे हैं। जो बच्चा ऑनलाइन हमारे साथ जिसने क्लास लगा रखी है, इसने सब्सक्रिप्शन ले रखा है क्लासेस का, तो प्रॉपरली नोट्स और प्रॉपरली जो है हमने MCQs, प्रॉपरली जो है क्वेश्चन सीरीज और क्वेश्चन बैंक हमने बच्चों को दे ही दिया है। तो जो लोग नए बच्चे हैं, नया बैच स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन बैचेस और ऑफलाइन बैचेस जो लेना चाहें आप लोग, इच्छा हो वैसा आप लोग बैच आप लोगों से ले सकते हैं और बिल्कुल अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए और शुरुआत करते हैं आज भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए। जी हाँ, शुरुआत करते हैं। तो बिल्कुल आप पढ़ रहे हैं हमारे साथ में, स्वागत आप लोगों का। हेलिक्स पैरामेडिकल क्लास, देखो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ नया क्या होने वाला है इसके बारे में हम लोग आप लोगों को बहुत सारी चीजें मैं शेयर कर देता हूं। देखिए थ्योरी आप लोगों को हम लोग करवाएंगे, कोई भी MCQs करवाने से पहले थोड़ा सा थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाँ कि क्वेश्चन कैसे बनता है। लोग पढ़ा रहे हैं डायरेक्टली MCQs, थोड़ा सा दिक्कत भरा है बच्चों के लिए कि थ्योरी बेसिक कमजोर हमारे बच्चों का, ठीक है। थ्योरी के साथ में MCQs हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग के यहाँ पर वन लाइन क्वेश्चन में आप लोग करवाने वाले हैं। वन लाइन क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आपको बिल्डअप करेंगे कि हमें वैकेंसी के लिए कितना मोटिवेशन। तो होता है क्या कि हमारा मोटिवेशन हम खुद होते हैं, हम जितने वन लाइन क्वेश्चंस करेंगे, वो वन लाइन क्वेश्चन सीरीज हम लोग ला रहे हैं, आइकॉनिक एमसी क्वेश्चन सीरीज ला रहे हैं, थ्योरी क्वेश्चन सीरीज ला रहे हैं। जो फर्स्ट ईयर का बच्चा है वो भी हमारे साथ पढ़ सकता है, सेकंड ईयर बच्चा हमारे साथ पढ़ सकता है, फाइनल ईयर का पढ़ सकता है, DMLT, BSMLT, MSCMLT तक का बच्चा हमारे साथ पढ़ सकता है। तो क्वालिटी कंटेंट रहेगा आप लोगों के साथ में, कंटेंट बनाने जितने भी टीचर्स हैं एम्स और जिपमेर और PGI चंडीगढ़ के, तो जहां से पेपर जनरली बनता है तो वहां से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट। चलिए हाँ, तो हम हेलिक्स पैरामेडिक क्लासेस की आज जो हमारी सीरीज है उसमें हम लोग जो हमारा ये है आइकॉनिक बैच है। आइकॉनिक बैच का मतलब क्या होगा, इस बैच के अंदर हम ना केवल हम लोग आइकॉनिक बैच में स्टडी करने वाले हैं। आइकॉनिक बैच का मतलब ना केवल आपका थ्योरी पार्ट कवर होगा, साथ साथ आपका MCQ पार्ट भी कवर होगा, राइट। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी पार्ट हमको कितना करना है और MCQ पार्ट हम लोग कितना करना है, राइट। चलिए तो आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं आप लोग साथ में। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से चलते हैं। चलिए हाँ भाई, तो मैं आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी का सेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, राइट। व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूं कि माइक्रोबायोलॉजी जो है ना, माइक्रोबायोलॉजी हम लोग माइक्रो मतलब होता है वेरी शॉर्ट, और वेरी शॉर्ट कौन होता है, वेरी शॉर्ट में आप क्या जाते हैं, बैक्टीरिया हो गए, ठीक है बच्चा, वायरसेस हो गए, ठीक है आप पैरासाइट हो गए, ठीक है, इन सारी चीजें जो पैरासाइट है, बैक्टीरिया है, ये सब क्या है, वेरी शॉर्ट ऑर्गेनिज्म से अगर हम लोग देखे तो, राइट, वेरी शॉर्ट। चलो
थोड़ा सा साइज छोटा कर देते हैं, आप लोग को मजा आने वाला है। मैं थोड़ा सा स्पेन की राइटिंग को थोड़ा सुधार लेता हूं। तो यहां पर बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, पैरासाइट, ये सब क्या है? वेरी शॉर्ट ऑर्गेनिज्म, वेरी शॉर्ट ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव और लोगो मतलब स्टडी। वेरी शॉर्ट ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोबायल। और वेरी शॉर्ट ऑर्गेनिज्म कौन से आपके? बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गए, पैरासाइट्स हो गए, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो माइक्रोबायोलॉजी में है, या केवल आप लोग ये नहीं पढ़ते हो, इसके एज वेल एज मैं आप लोगों को एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, एक चीज मैं आपको थोड़ा शेयर कर देता हूँ और आपको अच्छा भी लगेगा ये जान करके, कि एक फंजाई नाम से भी, फंजाई राइट, जो फंजाई होता है, फंजाई भी हमारा माइक्रोबायोलॉजी के अंदर डिस्कस किया जाता है। और मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ कि वैकेंसी में, वापस कान को सुन लीजिए, वैकेंसी में आप लोगों को फंजाई मिलेगा, बाकी आपके डिप्लोमा कोर्सेज में फंजाई नहीं है आरपीएम से सिलेबस में, लेकिन वैकेंसी में आपको फंजाई से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो उनको दरकिनार नहीं करना है, राइट। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं, आपने एक थोड़ा सा क्वेश्चन में आप लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आपने कभी सुना होगा कि सॉरी, अगर हम बैक्टीरिया की स्टडी करें, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हमने क्या बोला? माइक्रोबायोलॉजी। वैसे बैक्टीरिया की स्टडी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? बैक्टीरियोलॉजी, राइट, बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। चलिए ऐसे ही वायरस की स्टडी को हम लोग क्या करने वाले हैं? वायरस की हम लोग बोलेंगे वायरोलॉजी। क्या बोलेंगे? वायरोलॉजी। वायरस की स्टडी को हम लोग वायरोलॉजी, राइट। चलिए ऐसे हम लोग बात करेंगे पैरासाइट की, पैरासाइट की स्टडी हम लोग क्या बोलने वाले हैं? पैरासाइटोलॉजी, राइट। पैरासाइट की स्टडी बोलने वाले हैं पैरासाइटोलॉजी। ऐसे फंजाई की स्टडी हम लोग क्या बोलने वाले हैं? यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों को आ जाएगा कि फंजाई की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ फंजाई हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोलॉजी, राइट, माइक्रोलॉजी। अगर बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा पकड़ देता हूं, तो फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं, बैक्टीरिया स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। तो ये तो सिंपल है कि भैया बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी, वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी, और पैरासाइट की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरासाइटोलॉजी। लेकिन यहां पर क्वेश्चन जो बन जाता है आपकी वैकेंसी के लिए, वो कहते हैं स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। एक क्वेश्चन अपन लोग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए राइट डाउन करता हूं, ठीक है। क्वेश्चन होगा द स्टडी ऑफ फंजाई इज नॉन एज, मतलब फंजाई की स्टडी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए माइथोलॉजी, राइट। ऑप्शन नंबर बी माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी ऑर्निथोलॉजी। और ऑप्शन नंबर डी वायरोलॉजी। व्हाट विल बी द आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? जस्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हम फंजाई, फंजाई की स्टडी क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। ऐसे ही हमारा यहां पर क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा आपका यहां पर? माइक्रोलॉजी। तो राइट आंसर विल बी माइक्रोलॉजी, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं कि एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, यहां पर जनरली बेसिक सा क्वेश्चन आता है, तो कई बार पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ फंजाई, फंजाई की स्टडी को हम लोग क्या, किस नाम जाना जाता है? किस नाम जानते हैं? माइक्रोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं वापस से अपने फर्स्ट के ऊपर। देखिए मैंने कहा कि सर हम लोग जनरल अगर बात करें तो एक तो बैक्टीरियोलॉजी, तो हमें बैक्टीरिया के बारे में जनरल आइडिया होना चाहिए कि बैक्टीरिया कैसा होता है। वैसे हम वायरोलॉजी बात करेंगे, वायरस वायरोलॉजी के बारे में थोड़ा जनरल आइडिया होना चाहिए। पैरासाइट के बारे में जनरल आइडिया होना चाहिए, किस फाइलम से, फंजाई के बारे में थोड़ा जनरल आइडिया होना चाहिए। हाँ, मैं आपको स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले कहाँ से? वायरस, ठीक है जी। चलिए वायरोलॉजी जनरल आइडिया पढ़ रहे हैं, पूरी वायरोलॉजी हमें लोग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मेरा कोई मूड नहीं कि मैं आपको पूरी वायरोलॉजी कराऊं, ठीक है।
तो स्टडी ऑफ वायरस, स्टडी ऑफ वायरस, वायरस की स्टडी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, वायरोलॉजी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो वायरस की स्टडी हम लोग करते हैं, ठीक है, अब वायरस स्टडी जब करता है, अपने वायरस को क्या कभी देखा, वायरस क्या होते हैं? अगर ये वायरस हमारे, मान लीजिए कि मेरे धूलकण या मिट्टी लगी हुई, मैंने उठाया और मैंने धूलकण दिखाया, तो ये धूलकण आपने देखे, इन धूलकणों के अंदर कहीं पर भी क्रिस्टल के रूप में, क्रिस्टल मतलब मिट्टी रविदार के रूप में आपको बाहर वायरस मिल सकता है, लेकिन जो बाहर आपका वायरस होगा वो निर्जीव अवस्था में होगा। आई बात में, जो वायरस होता है, सॉरी, आपका जो बाहर वायरस होता है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग फॉर्म में होगा, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी मतलब बॉडी के बाहर जो होगा आपका वायरस कैसा होगा, नॉन लिविंग मतलब निर्जीव अवस्था में होगा, निर्जीव अवस्था में होगा। किस फॉर्म में? क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में बेटा? क्रिस्टलाइन फॉर्म में, मतलब क्रिस्टल्स के रूप में पाया जाएगा। आली बात सुन, हमारा जो वायरस होगा अगर बॉडी के बाहर है, किसी जीव से बाहर है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, कोई भी जो कोई भी सॉरी वायरस है वो बॉडी के बाहर है, तो निर्जीव अवस्था में होगा, नॉन लिविंग फॉर्म में होगा। लेकिन अगर यही वायरस बच्चों सॉरी देखिए अगर यही वायरस, ये है हमारा पप्पू राजा, ठीक है, पप्पू राजा की जिंदगी खुशहाल थी, एकदम मस्त जीवन जी रहा था, ठीक है, इसको अटैक हो गया, मान लो किसी वायरस का, ठीक है, जैसे स्वाइन फ्लू वगैरह जो भी है, वायरस का जब अटैक होगा तो वायरस कहाँ चला जाएगा, बॉडी के अंदर जाएगा, और बॉडी के अंदर क्या होता है, आपका वायरस लिविंग फॉर्म में चला जाता है, जीवित अवस्था के अंदर प्रेजेंट होता है। आई बात सुनो, चलिए, तो आपका जो वायरस होगा वो बॉडी के अंदर लिविंग फॉर्म में होता है, लिविंग मतलब जीवित अवस्था में, सजीव, सजीव अवस्था में मिलेगा आपका वायरस, लिविंग फॉर्म में होगा, इनसाइड द बॉडी, राइट, तो अगर हम बात करें कि इनसाइड द बॉडी, हाँ हमारा जो वायरस होगा सजीव होगा, लेकिन अगर बॉडी के बाहर तो निर्जीव होगा, इसका मतलब वायरस ऐसा इंसान है, ऐसा इंसान नहीं बोल सकते, ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है, ऐसा जीव है जो बॉडी के बाहर तो निर्जीव है और बॉडी के अंदर सजीव है, इसका मतलब ये ना सजीव है ना निर्जीव है, दोनों के बीच क्या योजक कड़ी है। तो क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि वायरस क्या है, वायरस के लिए अगर एक लाइन लिखी जाए, बेटा वायरस के लिए अगर एक लाइन में लिखूं तो क्या होगा, वायरस क्या है, वायरस के लिए एक लाइन में लिखना चाहता हूं और क्या होगी, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव को जोड़ने वाली कौन है आपकी, योजक कड़ी है कौन, वायरस, राइट, सजीव और निर्जीव को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो कौन है, वायरस है। तो ये आपको चीज समझ में आ गई, तो वायरस क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव और निर्जीव को जोड़ने का काम कर रहा है हमारा, सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी कौन है आपके, वायरस, ठीक है। चलिए अगर हम वायरस की बात करें बच्चों, वायरस की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें, देखिए यार एक काम कर लेते हैं आपके जीवन में, ठीक है, मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन है, ठीक है, आपके वायरस के अंदर एक होता है न्यूक्लिक एसिड, क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, आपके वायरस के अंदर क्या जरूर मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड, और ये जो न्यूक्लिक एसिड होंगे बच्चे, ये जो न्यूक्लिक एसिड होंगे वो कौन से हो सकते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड आपके आरएनए हो सकते हैं, ठीक है, या क्या हो सकते हैं, डीएनए हो सकते हैं, आगे बात सुन, आपके न्यूक्लिक एसिड आरएनए में हो सकते हैं या डीएनए हो सकते हैं। अब जो जिन वायरसेस के अंदर न्यूक्लिक एसिड आरएनए है उनको बोलते हैं हम लोग आरएनए वायरस, क्या बोलते हैं, आरएनए वायरस, राइट,
और जिनके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, जिन वायरस के अंदर, बोलते हम लोग क्या, डीएनए वायरस, राइट। ये खेल समझ में आया था आप लोगों को, डीएनए वायरस जिनके अंदर क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड डीएनए होगा, और जिनके अंदर न्यूक्लिक एसिड आरएनए होगा उनको लोग क्या बोलेंगे, आरएनए वायरस। तो एक आरएनए वायरस और डीएनए वायरस में क्या होगा, आरएनए वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होगा आरएनए, और डीएनए वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड कौन सा होगा, डीएनए, राइट। यहां तक मेरे साथ समझ में आ गया। अब आगे की चर्चा करते हैं कि यहां पर चीजें यहीं पर खत्म नहीं होती। कैसे होगा, ये डीएनए वायरस मैं आपको इस तरफ पर देता हूं और आरएनए वायरस हम लोग इस तरफ ले लेते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इधर रख लेते हैं। देखिए अब जो आपका ये आरएनए वायरस होगा, राइट, इसके चारों क्या सिचुएशन थे, इस न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर, चाहे वो आरएनए हो चाहे डीएनए हो, न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर, चाहे आरएनए हो चाहे डीएनए, से चारों ओर क्या आएगा, एक प्रोटीन का कोट पाया जाएगा, प्रोटीन की कोटिंग पाई जाएगी, प्रोटीन कवरिंग पाई जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैप्सिड, राइट। ये क्या होगा, कैप्सिड। और जो कैप्सिड होता है बहुत सारे, देखो ये पूरा कैप्सिड किससे बना है, छोटे छोटे पार्ट्स से बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर, क्या बोलते हैं बेटा, कैप्सोमियर। ये जो एक होता है उसको क्या बोला अपने, कैप्सोमियर, सॉरी इसको क्या बोला, कैप्सोमियर। समझ आ गई बात। तो चाहे डीएनए वायरस हो चाहे आरएनए वायरस, न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर आप लोग क्या पाया जाता है, प्रोटीन का कवरिंग पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सिड। और इसकी हर एक यूनिट को, कैप्सिड की जो यूनिट होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर, ठीक है। अब मान लो कि मैं आप लोगों से एक चीज बोल सकता हूं, इसके चारों ओर भी एक संरचना ऐसी है। देखिए अगर आपके वायरस के चारों ओर, इसके बाहर एक एनवेलप बना हुआ है, मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया ये एनवेलप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके चारों ओर ये आपका न्यूक्लिक एसिड हो गया, इसके चारों प्रोटीन कोटिंग हो, इसमें कैप्सिड, कैप्सिड हो, इसके चारों ओर भी अगर एक संरचना और पाई जाती है उसको बोलते हैं एनवेलप, क्या बोलते हैं, एनवेलप। ये एनवेलप जो होगा वो भांति भांति प्रकार की आकृति का होता है, सबसे पहले तो ठीक है, भांति भांति प्रकार की आकृति का होता है, इसके ऊपर ग्लाइको प्रोटीन वगैरह होते हैं। तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि अगर आपके वायरस में, अगर आपने वायरस देखा है तो आपने वायरस में जरूर क्या चीजें देखी होगी, आपके वायरस में ये चीजें जरूर होंगी, क्या क्या बेटा, आपके वायरस में दो चीजें जरूर होंगी, एक तो आपका न्यूक्लिक एसिड जरूर से जरूर होगा। और ये न्यूक्लिक एसिड क्या होगा बेटा, न्यूक्लिक एसिड दो चीजों से बना होता हो सकता है, ये आपका न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए हो सकता है या क्या हो सकता है, आरएनए हो सकता है, राइट। डीएनए प्रेजेंट है तो डीएनए वायरस होगा और आरएनए प्रेजेंट है तो आरएनए वायरस होगा, राइट। अब हम बात कर रहे हैं कि इसके चारों प्रोटीन कोटिंग है, मतलब क्या पाएगा, कैप्सिड भी पाया जाएगा, प्रोटीन का बना हुआ है, किसका बना होता है, प्रोटीन का बना हुआ। तो ये दो चीजें डूमस्ट है अगर वो वायरस है तो, आगे बात समझ। तो कैप्सिड का जो यूनिट है कैप्सोमियर, तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि वायरस कंटेन कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड बोथ, कैप्सिड भी होगा न्यूक्लिक एसिड बोथ, जो कैप्सिड का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, कैप्सोमियर होगा, राइट। अब मैं एक चीज बताता हूं, जो आपका एनवेलप हमने बात करी थी अभी, ये एनवेलप प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नॉन एनवेलप्ड भी हो सकता है वायरस और एनवेलप्ड भी हो सकता है, एक बाहर से कोटिंग है, प्रोटेक्टिंग कोटिंग है, तो उसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह, इस वक्त जब वायरोलॉजी ढंग से पढ़ेंगे डिटेल में तो आएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको मिलेंगी वायरस के अंदर, राइट। अब मैं आप लोगों से एक चीजें और दो चीजें डिस्कस करूंगा कि वायरस से जो मिलती जुलती होती है कि सब और क्या क्या वायरस, तो वायरस बाहर क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, नॉन लिविंग है, अंदर लिविंग है, ये कनेक्टिव लिंक है दोनों का, योजक कड़ी है। जो वायरस है उसके अंदर डीएनए है तो डीएनए वायरस है, न्यूक्लिक एसिड आरएनए तो आरएनए वायरस है, इसके न्यूक्लिक एसिड चारों ओर प्रोटीन का कवरिंग पाया जाता है, हम लोग कैप्सिड कह रहे हैं, कैप्सिड की प्रत्येक यूनिट को हम लोग कैप्सोमियर कह रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हम बात करेंगे एनवेलप पाया जा सकता है, अगर वायरस के अंदर एनवेलप है तो एनवेलप्ड वायरस, अगर वायरस के अंदर एनवेलप नहीं है तो नॉन एनवेलप्ड वायरस है। अब यहां से हम आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं। मैं एक चीज आपने पढ़ी होगी और नहीं भी पढ़ी तो बेटा यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है, वैकेंसी वायरॉइड, व्हाट इज वायरॉइड, बिल्कुल
ऐसी चीज जहां से वैकेंसी में क्वेश्चंस बन सकता है, वायरोइड क्या है? देखिए बेटा, वायरोइड मान लो आपका न्यूक्लिक एसिड, मैंने क्या कहा वायरस में क्या होता है, एक न्यूक्लिक एसिड होता है और एक कैप्सिड होता है, प्रोटीन होता है। मान लो कि कोई वायरोइड क्या होता है, जिनके अंदर न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ऐसे गोलाकार होता है और क्या होता है आरएनए, मतलब सर्कुलर आरएनए प्रेजेंट होता है आपके वायरोइड के अंदर। सबसे पहली बात आरएनए कैसा होगा, सर्कुलर आरएनए, और दूसरी बात आरएनए ही होगा, डीएनए कभी भी वायरोइड के अंदर नहीं होगा। वायरोइड के अंदर कभी भी आरएनए, कभी भी डीएनए नहीं होगा, ऑलवेज विल बी प्रेजेंट सर्कुलर आरएनए। और इनके अंदर कैप्सिड नहीं पाया जाता, प्रोटीन की कोटिंग नहीं पाई जाती। वेरी 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 ब्यूटीफुल क्वेश्चन बनता है यहां पर कि वायरोइड डज नॉट कंटेन, मतलब वायरोइड के अंदर क्या नहीं मिलता, क्वेश्चन ये है आपका, वायरोइड के अंदर क्या नहीं मिलता। तो अपने जो ऑप्शन है, पहला डीएनए, बी आरएनए, सी कैप्सिड, डी ऑप्शन अगर हमारा है तो आंसर आएगा ए एंड सी बोथ। बताइए कौन सा आंसर होगा आप लोगों का, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। वायरोइड डज नॉट कंटेन, वायरोइड के अंदर क्या नहीं होता, क्या वायरोइड के अंदर डीएनए होता है, बिल्कुल ये नहीं होता, ठीक है, आरएनए होता है, बिल्कुल होता है, क्या कैप्सिड नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो ये पूछा है कौन कौन सा नहीं होता, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, आपका आंसर होगा ए एंड सी बोथ, मतलब वायरोइड के अंदर ना डीएनए होता है और ना ही कैप्सिड होता है, राइट, ना डीएनए होगा ना कैप्सिड होगा, मतलब प्रोटीन कवरिंग भी नहीं है, इसलिए वायरोइड के अंदर आपका केवल और केवल क्या पाया जाता है, सर्कुलर आरएनए पाया जाता है। और इसलिए आपका डीआरडीओ का पेपर आ रहा है वैकेंसी वालों के लिए, तो जो डीआरडीओ का पेपर दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आज की जब क्लास आप पढ़ के जाओगे, आज की क्लास अगर आपने देखी है, मैं गारंटी कह रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को जरूर से जरूर मिलेगा, अगर पेपर एलटी वाले बना रहे हैं, अगर नर्सिंग वाले और कोई बना रहे हैं तो, बाकी अगर यहाँ पर सीनियर डेमोंस्ट्रेटर वगैरह बना रहे हैं तो आप लोगों को क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा 101%, ठीक है। तो वायरस की चर्चा कर ली कि वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड था, प्रोटीन कवरिंग थी, कैप्सिड बोला, प्रत्येक यूनिट का हमने कैप्सोमियर बोला, ठीक है, डीएनए है तो डीएनए वायरस है, आरएनए तो आरएनए वायरस, बाकी वायरोलॉजी कहां पढ़ेंगे वापस हम, जो वायरोलॉजी में चलो, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि वायरस से मिलता जुलता एक चीज है वायरोइड, ये पैथोजेनिक है, मतलब बीमारी क्रिएट करता है हमारी बॉडी के अंदर, प्लांट्स के अंदर भी देखने को मिलता है। और जो आपका न्यूक्लिक एसिड है और एक क्या होगा कैप्सिड है, दो चीजें, न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड दो चीजें, तो कैप्सिड इसके अंदर नहीं पाया जाता वायरोइड के अंदर, लेकिन क्या पाया जाता है आपका न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। और न्यूक्लिक एसिड कौन सा पाया जाता है, सर्कुलर आरएनए पाया जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया है, क्या क्वेश्चन दिया है कि वायरोइड डज नॉट कंटेन, वायरोइड क्या नहीं रखते हैं, डीएनए नहीं रखते हैं, कैप्सिड नहीं रखते हैं, तो आंसर क्या होगा ए एंड सी, लेकिन आरएनए तो रखते हैं,